अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज मेरे पास जो हैं वो अगेन कुछ ग्लिटर्स हैं, एंड दीज आर द लिक्विड ग्लिटर्स। एंड यू ऑल ऑफ नो हाउ मच आई लव ग्लिटर्स। मुझे ग्लिटर्स बहुत पसंद हैं। आई लव मेटालिक आई शेडोज़, आई लव ग्लिटर्स। मुझे वो शिमरी ग्लिटरी पॉप अप करती हुई आईज़ में जो है ना, वो ग्लिटर्स और ये सब मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे वो मैट लुक बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, सो आई लव ग्लिटर्स। अच्छा जी, मेरे पास कुछ लिक्विड ग्लिटर्स हैं। ग्लिटर्स की एक और टाइप होती है, मैं एक वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं टाइप्स ऑफ ग्लिटर्स के बारे में जिक्र करूँगी कि ग्लिटर्स में कौन कौन सी टाइप हैं, कितनी तरह के ग्लिटर्स होते हैं। तो फ़िलहाल आप इसी वीडियो पर इक्तफा करें। मेरे पास ये मशहूर ज़माना सुपर अफोर्डेबल ब्रांड हैंग फैंग है, उसके ग्लिटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मेरे पास ये दो सेट मौजूद हैं, दो ही वेरिएंट इसके आते हैं। अच्छा, इसमें एक नई पैकेजिंग भी आई है। वो थोड़ी सी ना, जो स्टीला के ग्लिटर्स हैं ना, वो तो काफ़ी कॉस्टली और हाई एंड है। वो स्टीला का ड्यूप है पक्का पक्का, वो भी हैंग फैंग के हैं, लेकिन वो भी यही चीज़ है। आई थिंक वो थोड़ा बड़ा साइज़ है, लेकिन ये मिनी साइज़ है। तो आई थिंक आप लोगों को मिनी साइज़ इनफ है, इतना कौन सा डेली बेसिस पर यूज़ होता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो ये सेट है वो है सेट ए हैंग फैंग का, और ये जो मेरे पास सेट पड़ा हुआ है दिस इज़ द सेट बी। ठीक है, ए और बी के ये सेट हैं। और जो इसकी पैकेजिंग है, ये शाइनी सी ब्लैक कलर की पैकेजिंग है, और ये बहुत मज़े की है यार। लाइक अच्छी है ये पैकिंग जो है ना, मतलब तो मुझे ये अच्छी लगी पैकिंग। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ जल्दी से। ये लेंच ये हो गई पैकिंग से बाहर, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये जी हमारे सामने ये पैकिंग से बाहर हो गए हैं। ठीक हो गया। ये जी हमारे पास दो सेट हैं। ठीक है, ये है सेट ए, आप लोग देख लो कितने खूबसूरत इसमें कलरफुल ग्लिटर्स हैं। एंड दिस इज़ द सेट बी। ठीक है, बारी बारी मैं इनका स्वाच करती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरह से ग्लिटरी मेटालिक हैं। ओके जी, ये है, इन पे शायद ना नंबरिंग नहीं हुई हुई। हाँ जी, इन पे नंबरिंग नहीं, अच्छा हुई हुई है, लेकिन वो ना स्टिकर टाइप लगा हुआ है, कैमरे में शायद नज़र ना आए। ये नंबर 10 है, ये नंबर 10 है। ठीक है, और ये जो है ना मिनी सा है, लाइक इसका आप साइज़ देख लो, आप छोटू सा मिनी सा जो है ना ये इसका साइज़ है, लाइक एक फिंगर जो है ना आपकी, हाँ ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर है ना, जिसको आप शहादत वाली उंगली बोलते हो, ये उस फिंगर के जितना जो है ना ये ग्लिटर है, इतना साइज़ है। छोटू सा है और जो है ना वो बहुत हैंडी सा है, मतलब आप इसको इजीली अपने बैग में रख के जो है ना वो इसको कैरी कर सकते हो। बहुत अच्छे, मुझे ना आपको मैंने पहले भी शायद अपनी किसी वीडियो में बताया था कि मेकअप में जो चीज़ें छोटे साइज़ की होती हैं, चाहे वो लिपस्टिक हों, आई शेडोज़ हों, ब्लशेज़ हों, कुछ भी हो, मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उनको कैरी करना आसान, तो बड़ी बड़ी चीज़ें लेके जाना वो बहुत मुश्किल होता है। चलें जी, हम अपने स्वाचेस करते हैं शुरू। ये मेरे पास जो है वो है नंबर 10 शेड है, और अफसोस की बात ये है कि ये सिंगल आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर में वो सेलर्स अपना इरादा बदल दें, सिंगल देना शुरू कर दें, लेकिन फ़िलहाल आपको जो है ना वो सेट ही पूरे का पूरा बाय करना पड़ेगा। और देखें यार ये आप कितना मेटालिक और ग्लिटरी है, अगर नज़र आ रहा हो तो। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा जो है ना वो लूँगी यहीं पे ना, इसको स्वाच कर देती हूँ लाइक ये देखें, दिस इज़ द नंबर 10 शेड। ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर है, ये गोल्डन कलर है, ये जी दिस इज़ द गोल्डन कलर। और उसके बाद जो नेक्स्ट शेड है हमारा, दिस इज़ द प्रिटी लाइलैक पर्पल कलर, एंड ये है हमारे पास 07 शेड। इसका भी मैं आपको स्वाच दिखा देती हूँ, ये देखें जी इतना कोई नेक्स्ट लेवल का, ये इतना हसीन लगता है ना आईज़ पे लगा हुआ। इसके अंदर इन ग्लिटर्स की सबसे अच्छी बात है, इनके अंदर ग्लिटर चंक्स हैं, आप देख रहे हो इनके अंदर ग्लिटर चंक्स हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं आईज़ पे लगे हुए। ठीक है, ये लाइलैक पर्पल कलर है, आई होप के कैमरे में ठीक नज़र आ रहा हो। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट शेड हम देखते हैं। ये मैं सेट ए के स्वाचेस कर रही हूँ। दिस इज़ अ प्रिटी, माई फेवरेट ग्रीन कलर इज़ माई फेवरेट इन आई शेडोज़। तो ये है ग्रीन कलर और इसका शेड है नंबर 9। ये देखें, ये मैं यहाँ पे करती हूँ, कितना
इतना हसीन कलर है यार ये, मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं आई शेडो पे आँख पे लगाया हुआ, कोई आई शेडो नहीं है, तो आप जस्ट इसको एज अ आई शेडो टैप टैप करें, आईज़ पे लाइनर लगाएं, मस्कारा लगाएं, यू आर गुड टू गो। तब ये ऐसी चीज़ें रखा करें अपने पास, ये अच्छी होती हैं। ये देखें इसमें भी ग्लिटरी स्पार्कल है, दिस इज नंबर 09 शेड, ठीक है। ये देखें कितना हसीन है ये ग्रीन कलर। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो मेरे पास कलर है, दिस इज़ द प्रिटी पिंक कलर, दिस इज़ द 08। ये बहुत खूबसूरत सा जो है ना वो पिंक शेड है, ये भी मैं आपको यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। कितना कोई हसीन शेड है, और देखें आप लोग शायद आप देख रहे हो कि इस पे जो है ना ग्लिटरी चंक्स हैं इसके अंदर, एंड आई लव ग्लिटर्स। ये देख रहे हैं जी, ये 08 शेड है, कितना खूबसूरत है। उसके बाद नेक्स्ट शेड जो है मेरे पास, चल भई ये बहुत खूबसूरत सा ब्राउन कलर है, दिस इज़ द नंबर 11। ये ना गोल्डन ब्राउन ऑरेंज टाइप है, मतलब मिक्स है ये कलर, दिस इज़ द 011 शेड। ये मैं आपको स्वाश कर देती हूँ, ये यहाँ पर करते हैं, ये देखें, ये मैं इतना रगड़ रगड़ के नहीं कर रही, और देख लें आप लोग इसकी पिगमेंट देखें, देखें कितना खूबसूरत है, दिस इज़ द 11 शेड। इनको ना आप लोगों ने, एक और मैं आपको बताऊंगी, इसको ये जो होते हैं ना ग्लिटर लाइनर्स हो गए, पोमेड्स में हो गए, प्रेस पाउडर लाइक प्रेस ग्लिटर्स हो गए, इनका जो ढक्कन है ना, इनका जो लिड होता है, वो आपने टाइटली इसको बंद करके रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। इनका एक मसला ये होता है ड्राई हो जाते हैं, स्पेशली लिक्विड ग्लिटर्स, तो इसका ये जो लिड है ना इसको अच्छे से ना एयर टाइट करके जो है ना आप लोग रखें, ताकि जो है ना ये ड्राई ना हो, ना ये ड्राई हो जाते हैं। ये 11 शेड था। लास्ट इस सेट का जो शेड है, ये दिस इज़ द प्योर ब्राउन कलर, एंड दिस इज़ द नंबर 12, दिस इज़ द नंबर 12 शेड, और आप ये देखें कितना कोई हसीन शेड है। उफ़, ये आप लोग ब्राउन स्मोकी आई करो ना, उस पर ही हल्का हल्का टैप टैप कर दो तो कमाल ही हो जाता है। ये देखें, दिस इज़ द नंबर 12, आई होप यू कैन सी, ये कितना खूबसूरत प्योर ब्राउनजी डार्क गोल्ड, ये ना डार्क ब्राउन शेड है और हल्की सी गोल्ड की इसके अंदर शिफ्ट है। अच्छा जी, ये हो गया पूरे का पूरा सेट ए। अब हम जो है वो सेट बी के स्वाच करते हैं। सेट बी के स्वाचेस करें, सबसे पहले इस सेट में जो है वो शेड है हमारे पास 06 शेड है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। और ये बड़ा मज़े का कलर है, मैं आपको इधर दिखाती हूँ, लाइक यहाँ पे ये देखें, बड़ा खूबसूरत सा ना ये क्या मैं इसको, मतलब इस कलर को डिफ़ाइन करूँ, इसमें सिल्वर कलर भी है, लाइट जो है वो ब्राउन का टच भी है, और जो है वो शैम्पेन कलर भी है, मतलब ये तीन कलर का मिक्सचर है। दिस इज़ द 06, बहुत खूबसूरत है, आप लोग देख लें। उसके बाद नेक्स्ट जो शेड है हमारे पास वो है 05 शेड, और ये बहुत प्रिटी सा अगेन ब्राउन शेड है, लेकिन ये थोड़ा लाइट में है, मतलब ये फुली उस तरह से नहीं है, ये बहुत प्यारा जो है ये ब्राउन है, ये देखिए, उसको मैं इसको भी ना, ये देखिए बहुत प्रिटी सा ये ना इस, ये भी ब्राउन शेड है लेकिन उस तरह से ब्राउन नहीं है, इसमें ज़्यादा गोल्ड है, गोल्ड का टच है। ये ऊपर वाला जो था ये फुल ब्राउन था, और ये देखिए ये था जी 05 शेड था, ये प्रिटी सा ठीक हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट शेड की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो मेरा फेवरेट शेड है वो ये है सिल्वर कलर, दिस इज़ ये नंबर 1 है, वाकई में नंबर 1 है, ये सिल्वर शेड है, बहुत हसीन है यार, मतलब लाइक क्या मैं आपको अब इसका बारे में बताऊं। ये देखें यहाँ पे कर देती हूँ, फैल गया ये, खैर मैं इसको इस फिंगर से लगाती हूँ, फिंगर से ना सही पता चलता है, ये देखें इतना कोई हसीन है ना यार ये शेड। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग लिड जो है लिक्विड ग्लिटर्स के, प्रेस ग्लिटर्स के, इसको एयर टाइटली आप लोगों ने बंद कर, दिस इज़ अ 01 शेड, और इतना मतलब इसमें ग्लिटर है कि मैं बता नहीं सकती। ये देखें 01 शेड।
उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें शेड है मेरे पास वो है ये ऑरेंज कलर है, दिस इज़ द 04 शेड, 04 शेड ये ऑरेंज कलर है, बहुत प्यारा सा। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लगाती हूँ, ये देखिए ना हसीन सा जो है ना ये ऑरेंज शेड है। ये है जी, दिस इज़ द 04 शेड, प्रिटी सा ऑरेंज कलर है ये, बहुत खूबसूरत है। आई लव दिस ग्लिटर बाय द वे, अभी कहते हैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। ओके जी, दिस इज़ द नंबर 3 शेड, अगेन ये गोल्डन ब्राउन का कलर है, क्योंकि ब्राइडल जब हम बनाते हैं या पार्टी मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं या स्मोकी बना रहे होते हैं लाइक अरेबियन आइज बना रहे होते हैं, तो उसमें ये गोल्डन ब्राउन शेड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये देखें, ये देखें कितना हसीन शेड है, तो उसमें ये कलर्स बहुत इन है, स्पेशली नाइट फंक्शंस, पार्टी मेकअप, ब्राइडल्स में। ये है जी 03 शेड है, ये देख लें, ये अगेन गोल्डन ब्राउन कलर है। देखिए इसमें ब्राउन्स के कितने शेड हैं, ये ब्राउन का शेड है, ये शेड है, ये शेड है, ये शेड है, मतलब बहुत से कलर आपको वैरायटी मिल जाती है। लास्ट इसमें जो है वो हमारे पास ऑफकोर्स दिस इज़ द ब्लैक, ये ब्लैक कलर है, और ब्लैक आपको पता आई शेड होम ग्लिटर्स, उसमें ब्लैक ना हो तो समझें आई पैलेट ही अधूरा है। ये देखें, अगर आपने पॉप करती हुई स्मोकी आइज बनानी हो ना तो आप ये ग्लिटर यूज़ करना, दिस इज़ द 02, ये वाला ग्लिटर यूज़ करना, चार चांद लग जाएंगे स्मोकी आइज में। ये देखें, ये ब्लैक शेड है। सो ये हो गए हमारे हैंग फैंग के मिनी ग्लिटर्स, इसमें फुल साइज़ भी आता है और आप लोग एक दफ़ा देख लो, मैं दिखा देती हूँ आप लोग। ये देखें, ये वाली जो रेंज है ये ए सेट है, और ये वाले जो हैं वो बी सेट है। हसीन तरीन, और इनके आप स्पार्कल्स चेक करें। ठीक हो गया, अब तो हो गई इनकी, मैंने आपको स्वाचेस दिखा दिया, बात हो गई कि इनकी प्राइस क्या है। जी जनाब, ये मैंने लिया है 700 का एक पैलेट, 700 का ये मुझे एक पड़ गया था, यानी टोटल 1400 के मुझे ये जो है वो 12 पड़े हैं, और आई थिंक ये बिल्कुल भी जो है वो कॉस्टली नहीं है। सो बहुत अच्छे हैं ये ग्लिटर्स, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी रिव्यूज़ भी आप लोगों ने देखे होंगे। सो आप मेरी तरफ से 100% रिकमेंड है, आप लोग बाई करो, मतलब इस तरह की चीज़ें अपने पॉकेट में रखो, एक शेड लगाया, लाइनर मस्कारा, देन बस ये आपका आई मेकअप हो गया। आप छोटी छोटी चीज़ें देखा करें जिसमें आपकी जो है ना वो काम इजीली हो जाए, जल्दी हो जाए। सो दिस इज़ द बेस्ट, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। साइज़ में छोटे हैं, आप चाहो तो इसमें साइज़ में बड़ा भी ले सकते हो, और मैंने जिस पेज से लिया है वो आपकी स्क्रीन पे मेंशन होगा, लिंक भी मैं मेंशन कर लूँगी विद प्राइस। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक और रिव्यू प्रोडक्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।